अष्टम पाठ है, आठ पाठ, शंकराचार्य शंकराचार्य। केरल राज्यस्य पूड़ा नदी तीरे एकः ग्रामः। केरल राज्य के पूड़ा नदी तीरे में सोता किनारे किनारे एकः मिस एक गांव था। केरल राज्य के पूड़ा नदी के किनारे एक गांव था। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ते, गांव का नाम कालडी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ। अस्य पितु नाम शिवगुरु, मातु नाम आरम्भ्या च आसीत्। अश्यम से इनके पिता में पिता नाम शिवगुरु और मातु माता का नाम आरम्भ्या था, यानी इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आरम्भ्या था। शंकरस्य बाल्यकाले एक शिवगुरु दिवंगत। शंकर के बचपन में ही शिवगुरु यानी उनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। अतः आरम्भ्या एव शंकरस्य पालन अकरोत्, इसलिए आरम्भ्या ने ही शंकरा का पालन पोषण किया। बाल्यकाल एव स अति प्रतिभा संपन्न आसीत, बाल्यकाल में बाल्यकाल से ही या बचपन से ही एव मिस ही स मिस वह अति मिस बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न यानी प्रतिभा संपन्न आसीत मिस थे, यानी हर चीज़ में संपन्न थे वो। बचपन में ही वह बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे। एकदा शंकर स्नान नदी प्रविशत, एक बार शंकर नदी स्नान के लिए नदी में प्रवेश किए, यानी एक बार शंकर नदी स्नान के लिए स्नान के लिए नदी में प्रवेश किए। तत्र एका मकरत गृहीतवान, वहाँ एक मकर ने उनको पकड़ लिया, गृहीतवान मीन्स पकड़ लिया। स उच्च आक्रोशत, उन्होंने ऊँचे स्वर में आक्रोश यानी आवाज़ किए या चिल्लाए। माता तस्रुता नदी त्रम आगच्छत, माता उनके स्वरों को सुनकर नटी नदी तटम यानी नदी के किनारे आगच्छत मिस आई। तदा शंकर मातरम अवत, तब शंकर ने माता से कहा, अम्ब हे माता, संन्यास ग्रहणाय मम अनुमति देहे। हे माता, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मम यह मिस मुझे अनुमति मिस अनुमति देह मिस दीजिए। तदा एव अहम मकरात मुक्त भविष्यामि, तब ही मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा भविष्यामि होऊंगा। आरम्भ्या शंकरस्य संन्यास न इच्छति स्म, आरम्भ्या शंकर के संन्यास के लिए इच्छा नहीं थी, इच्छुक नहीं थी कि मेरा बेटा संन्यास ग्रहण करे। किंतु पुत्रस्य कष्ट दृष्ट्वा, लेकिन पुत्र के कष्ट को देखकर यथा तुम्भ्यम रोचते तथा कुरु इत अवत, लेकिन पुत्र का कष्ट देखकर जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, इस प्रकार बोली। सदैह एव शंकर मकरात मुक्तम अवत, जल्दी ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हुए। संन्यासाय अनुमति लब्धा शंकरस्य गृहत्वान् निर्गच्छत, संन्यास के लिए अनुमति प्राकर शंकरस घर से निकल गए, निर्गच्छ में निकल गए। अष्टवर्षीय सा ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंदपाद ज्ञानम प्राप्तवान, आठ वर्ष की आयु में उन्होंने ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंदपाद से ज्ञान प्राप्त किया। द्वास वर्षीय शंकर संपूर्ण देश से पर्यटनम कृत्वा काशी प्राप्तवान, द्वास 12 वर्ष की आयु में शंकर ने संपूर्ण देश
पर्यटन में घूमना कृतमिस कर घूम कर काशी गए। षोड़श वर्षे स ब्रह्मसूत्र से भाष्य लिखितवान। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। आदि शंकर ने विविधान मधुराण स्रोत काव्यम अपि रचितवान। आदि शंकराचार्य ने अनेक मधुर स्रोत काव्य आदि की रचना की। सधर्म रक्षार्थ देशस्य चतुर्दश चतुर्मठान संस्थापितवान। उन्होंने धर्म रक्षा के लिए देश के चतुर्मठान की संस्थापितवान में स्थापना की। यानी धर्म की रक्षा के लिए उन देश के चारों कोनों में चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। केवल द्वात्रिशे एव वयसी शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगत है। केवल 32 के वर्ष में ही शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष एकत सादरे किंचश्च सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायाम सर्वदा स्मरणीय विद्यते। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष के एकता करने में और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने में सर्वदा हमेशा स्मरणीय याद विद्यते किए जाएंगे। यानी आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एक करने में और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने में हमेशा याद किए जाएंगे।